स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम एक किंग को देखते हैं जो कि अच्छा किंग नहीं होता, क्योंकि उसने पावर की लालच में खुद को एक लड़की के हवाले कर दिया था। और वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि ब्लैक ड्रैगन थी, जो पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी थी। और इसका नाम दाजी था। और जब ये किंग यंग था तो इसे डार्क मैजिकल पावर्स की जरूरत थी, इसीलिए वो खुद ही दाजी के पास चला गया ताकि इसके बदले उसे बहुत सारी पावर्स मिल जाए। अब क्योंकि दाजी एक ब्लैक ड्रैगन थी, इसीलिए कोई भी वॉरियर या फिर वेपन उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन दाजी बहुत जालिम थी, उसने बहुत सारे बेकसूर लोगों को मार दिया था। उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स पर अटैक भी किया था और लोगों को वो लूटते थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रिजनर बनाया हुआ था। जैसे एक ऑफिसर उनके महल में आता है तो यहाँ पर दाजी का बहुत ही भयानक रूप हम देख पाते हैं। उसकी बहुत सारी लंबी लंबी टेल्स थी और वो उस ऑफिसर को मारकर खा लेती है। इसी दौरान हम सिटी में से कुछ वॉरियर्स को आता हुआ देखते हैं और ये वॉरियर्स दाजी और किंग से लड़ने आ रहे थे, क्योंकि उनके कुछ इनविजिबल ट्राइब के लोग दाजी की कैद में थे। वो प्लान बनाते हैं कि कैसे दाजी और किंग को हराना है। उनकी हेल्प करने के लिए आ रहे थे उनके लीडर, जो कि उनके मास्टर थे। इसके बाद ये सारे वॉरियर्स महल के पीछे जो एक काफी बड़ी टनल थी उसे पार करके किंग के महल में घुस जाते हैं। महल के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, क्योंकि इनविजिबल कबीले के जो लीडर थे यानी प्रीस्ट, उनको मारने की तैयारी की जा रही थी। दूसरी तरफ ग्रेट वॉरियर जैकी, उनके मास्टर और सभी वॉरियर्स उन इनविजिबल लोगों को छुड़ाने जाते हैं। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनविजिबल बच्चों और लोगों को कैद किया हुआ था, लेकिन ये लोग उन सलाखों को तोड़ नहीं पाते क्योंकि इन सलाखों पर ब्लैक मैजिक किया गया था। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ग्रेट वॉरियर जैकी मैजिक भी कर सकता है और वो अपना मैजिक यूज करके इन सलाखों को तोड़ देता है। लेकिन उसके जादू करने की वजह से किंग का जो कमांडर था यानी जनरल, उसे इन लोगों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो इनके पास जाने के लिए निकलता है। इसके बाद महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिस प्रीस्ट को उन्होंने प्रिजनर बना के रखा हुआ था वो फ्यूचर देख सकते थे। अब यहाँ पर दाजी किंग को कहती है कि तुम अपना फ्यूचर देखो, तो प्रीस्ट की आंखों में किंग अपना फ्यूचर देखता है, जहाँ किंग को दिखाई देता है कि उसकी मौत नजदीक है और कोई तो ऐसा है जो उसे हराने वाला है। अब अपना ऐसा फ्यूचर देखकर किंग को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि प्रीस्ट की आंखें निकाल दी जाए। उधर जैकी और उसके वॉरियर्स इनविजिबल ट्राइब के लोगों को बचाते हैं, लेकिन जब उनको किसी सेफ लोकेशन पर ले जाया जा रहा था तो इसी बीच किंग की आर्मी उन पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी इनविजिबल ट्राइब के लोग जैकी के साथियों को वहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। महल में प्रीस्ट को मारने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तभी उनके मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। उधर इनविजिबल लोग अभी भाग ही रहे होते हैं कि तभी जनरल भी वहाँ पर आ जाता है उन पर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर जैकी और उसका भाई वहीं पर रुकते हैं और बाकी सारे लोगों को वो वहाँ से भेज देते हैं। अब यहाँ पर जैकी अपने मैजिक से बीच की दीवार गिरा देता है, ऐसा करके वो जनरल और उसके लोगों को दूसरी तरफ कैद कर देता है। इस तरह वो इनविजिबल लोगों को बचा लेता है। महल में दाजी अपने खतरनाक रूप में आ चुकी थी और वो मास्टर को एक कर्स देती है और उनकी पावर्स कम कर देती है, जिसकी वजह से अब मास्टर कमजोर पड़ने लगते हैं। ये देखते हुए वो प्रीस्ट अपनी एक आंख निकाल कर मास्टर को देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन दाजी उन्हें ऐसा करते देख लेती है और वो अपनी एक टेल से उस आंख को पकड़ लेती है। तभी जैकी और उसके वॉरियर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो किंग की आर्मी से लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर जैकी अपने मैजिक का इस्तेमाल दाजी पर करता है, लेकिन अब वो क्योंकि ज्यादा पावरफुल और खतरनाक थी, इसीलिए जैकी उसके सामने टिक नहीं पाता। दाजी और किंग इन लोगों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी उनका एक ग्रेट बर्ड वहाँ पर आकर उन सबको बचाकर वहाँ से ले जाता है। तभी प्रीस्ट अपनी दूसरी आंख निकाल कर मास्टर की तरफ फेंकते हैं और फाइनली ये वाली आंख मास्टर को मिल जाती है, इसीलिए अब वो अपने किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद वो प्रीस्ट भी यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और मर जाते हैं। अब यहाँ पर दाजी के पास प्रीस्ट की एक आंख थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, इसीलिए वो मास्टर और उनके वॉरियर्स के खिलाफ जंग की तैयारी करती है। उधर मास्टर भी जंग की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन अब क्योंकि मास्टर को दाजी ने कर्ज कर दिया था, इसीलिए वो जब भी अपने पावर्स इस्तेमाल करेंगे तो उनकी उम्र कम होती जाएगी, यानी वो अपनी उम्र से छोटे होते जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपने पावर्स के बारे में भी भूलते जाएंगे, तो इसीलिए अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, सोर्ड ऑफ लाइफ को हासिल करना, क्योंकि इसी पावरफुल तलवार की वजह से वो ब्लैक ड्रैगन यानी दाजी को मार सकते हैं। इसके बाद हम उन्हीं वॉरियर्स में जैकी को देखते हैं, जो कि बचपन से ही उड़ सकता था क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स होने के साथ साथ विंग्स यानी पंख भी थे, लेकिन पास्ट में हुए एक हादसे की वजह से वो उड़ने से डरता था और आज भी जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो नाकामयाब हो जाता है। इसके बाद मास्टर जैकी को एक मैप देते हैं, जिससे वो उस तलवार यानी सोर्ड ऑफ लाइफ को ढूंढ सकते हैं और ये तलवार उन्हें थ्री सन्स यानी तीन सूरज के मिलने से पहले हासिल करनी होगी। मास्टर जैकी को बताते हैं कि उस तलवार को कोई आम इंसान नहीं छू सकता,
बल्कि उस तलवार को सिर्फ वही वॉरियर छू सकता है जिसे उस तलवार ने चुना होगा, और वो जो भी वॉरियर होगा तलवार हासिल करने के बाद वो गोल्डन ड्रैगन बन जाएगा, और वो गोल्डन ड्रैगन ही उस तलवार का असली हकदार है, और वही ब्लैक ड्रैगन यानी दाजी को मार सकता है। लेकिन अब क्योंकि जीकी एक ग्रेट वॉरियर था इसीलिए वो खुद उस तलवार को ढूंढने का डिसाइड करता है, तो इस बात के लिए मास्टर मान जाते हैं और उसे कहती है कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ बहुत सारी पावर्स लेकर जानी पड़ेंगी। और उनके गार्डन का जो पानी था जिसका नाम स्प्रिंग ऑफ लाइफ था उसमें से मास्टर एक एग बाहर निकालता है, और उस एग में से नेजा नाम का एक क्यूट सा बच्चा बाहर आता है, और ये बच्चा ही जेकी के सफर का साथी होगा। इसके अलावा मास्टर जेकी को उसके सफर के लिए 3 मिस्टीरियस गिफ्ट देते हैं, और ये तीनों गिफ्ट उसके सफर में उसकी हेल्प करेंगे। इसके बाद जेकी उस तलवार की तलाश में निकल जाता है। अब जेकी को चलते चलते काफी टाइम गुजर जाता है, लेकिन उसे अभी तक तलवार का कोई क्लू नहीं मिलता। फिर मास्टर के लिए 3 तोहफों में से एक बाहर निकलता है जो असल में एक आग का छोटा सा पौधा था, और वो जेकी को लीड करता है कि उसे किस तरफ जाना है। जैसे उस डेजर्ट में ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके पीछे काफी बड़ा सेंटीपीड मॉन्स्टर लग जाता है, और वो इन तीनों यानी जेकी नेजा और पौधे पर अटैक कर देता है, और अब वो सेंटीपीड नेजा और पौधे को मारने ही लगता है कि तभी जेकी उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को मार डालता है। इसी दौरान नेजा जेकी का जो दूसरा गिफ्ट होता है उसे चुरा लेता है और उसे खोलता है, और उसमें से क्यूट सा बेबी ड्रैगन प्रिंस निकलता है। वो जैसे ही उसे खोलता है तो वो नेजा पर गैस का जादू कर देता है जिसकी वजह से नेजा अपने असली रूप में आ जाता है, यानी वो बड़ा बन चुका था। उसे होश आते ही वो अपने पावरफुल फायर व्हील्स ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन जेकी उसे रोक लेता है ये कहते हुए कि पहले हमें सोर्ड ऑफ लाइफ ढूंढनी होगी, और उसी रास्ते में तुम्हारे फायर व्हील्स यानी तुम्हारा हथियार तुम्हें मिल जाएगा। उधर महल में जर्नल एक लड़की को कंस्ट्रक्ट करता है और उसमें जान डाल देता है। इसके बाद वो उसी तलवार यानी सोर्ड ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए भेज देता है, और इस कंस्ट्रक्टेड लड़की का नाम डी रखा जाता है। और यहाँ पर जेकी और नेजा एक काफी पुराने और काफी बड़े हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि रेत का जादूगर था, और वो अपनी मैजिक से रेत को कंट्रोल कर पा रहा था। फिर वो अपनी मैजिक का यूज करके रेत में से एक गोल्डन वेपन बाहर निकालता है। अब क्योंकि नेजा को वो गोल्डन वेपन चाहिए था इसीलिए उस रेत के जादूगर पर अटैक कर देता है। ऐसे यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। अब नेजा को बचाने के लिए इस लड़ाई में जेकी भी आ जाता है, और तभी तीनों लड़ते लड़ते एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। फाइट के दौरान वो रेत का जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है, और असल में वो कोई और नहीं बल्कि एक वॉरियर था, और वो दाजी के कर्ज की वजह से यहाँ पर कैद था। अब क्योंकि जेकी ने उसे वहाँ से आजाद किया था इसीलिए जेकी उसे मास्टर के दिए हुए गिफ्ट्स में से तीसरा यानी लास्ट वाला गिफ्ट उस वॉरियर को दे देता है, और वो गिफ्ट एक डॉग था। अब वॉरियर और उसका वो डॉग वहाँ से निकल जाते हैं अपने हथियार के लिए। इसके बाद जेकी और नेजा भी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही रात होती है वो एक गाँव में चले जाते हैं। गाँव पहुँचते ही नेजा और जेकी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं ताकि जल्द से जल्द 3 सूरज के एक साथ मिलने से पहले तलवार को ढूंढ लिया जाए। उस गांव में वो उसी लड़की डी से मिलते हैं, और ये वही लड़की थी जिसे जनरल ने कंस्ट्रक्ट किया था ताकि वो तलवार को ढूंढ सके। और जैसे ही जेकी उसे देखता है वो उसे अच्छी लगने लग जाती है। अब ये लोग एक जादूगरनी को ढूंढने जाते हैं जिसके पास एक मैजिकल बोर्ड थी यानी जादुई बोर्ड, ऐसी बोर्ड जो किसी को भी अपनी मंजिल पर पहुंचा सकती है। अब जैसे ही लोग उसकी बोर्ड चुरा रहे होते हैं वो जादूगरनी जाग जाती है और इन पर वो अटैक करने लगती है, लेकिन जेकी नेजा और वो लड़की डी वहाँ से भाग जाते हैं। वो उसकी बोट भी चुराने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये बोट उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाने वाली थी। बोट में वो लड़की डी तलवार की बातें करने लगती है, तब ये सुनकर नेजा को काफी गुस्सा आता है और वो काफी हैरान भी रह जाता है, इसीलिए वो उसे मारने जाता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन प्रिंस जादुई गैस नेजा पर छिड़कता है जिसकी वजह से नेजा बेहोश हो जाता है और वो दोबारा से बच्चा बन जाता है। जेकी और वो लड़की डी अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब जूनियर को इस का पता चलता है तो वो डी की मेमोरी ले लेता है जिससे डी तलवार के बारे में भूल जाती है, क्योंकि जनरल को सिर्फ तलवार की लोकेशन चाहिए थी जो कि उन्हें मिल गई थी। तभी जेकी को पता चलता है कि ये बोट समंदर के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, इसीलिए वो सिचुएशन के बारे में प्लांट से पूछता है, जिस पर वो पौधा कहता है कि बेबी ड्रैगन प्रिंस इस बोट को कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। अब ड्रैगन प्रिंस अपने फादर को बुलाने के लिए गाना गाने लगता है, इसीलिए ड्रैगन प्रिंस के फादर ड्रैगन किंग भी अपने बेटे की आवाज़ सुन लेते हैं, इसीलिए
एक जॉइंट ऑक्टोपस को अपने बेटे और पिज़्ज़ा को वापस लाने के लिए भेजता है। फिर वो ऑक्टोपस उन दोनों को सी पैलेस में ले आता है। तभी ये देखकर जेकी भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ सी पैलेस में आकर पता चलता है कि नेजा के जो फायर व्हील्स थे वो इसी समंदर के राजा यानी ड्रैगन किंग ने अपने पास रखे हुए थे और इसीलिए तो नेजा ने ड्रैगन प्रिंस को अपने पास रखा हुआ था। अब यहाँ पर नेजा ड्रैगन किंग से अपने फायर व्हील्स मांगता है, लेकिन किंग उसे फायर व्हील्स लुटाने से मना कर देता है, बल्कि वो अपने गार्ड से नेजा पर अटैक करवा देता है। लेकिन यहाँ पर नेजा उन सब से लड़ता है, लेकिन लड़ाई के बाद ड्रैगन किंग उसे वो फायर व्हील्स दे देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है। उसे बहुत सारी पावर्स मिल जाती है और इसके बदले में नेजा भी बेबी ड्रैगन प्रिंस को किंग के हवाले करता है। इसके बाद नेजा अपने रास्ते पर चल पड़ता है। जेकी और डी बोट की मदद से एक सिटी में एंटर करते हैं, लेकिन वो सिटी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइम रुक गया हो, लेकिन उसे एक जगह मिलती है जहाँ पर तलवार होने का साइन था। इसीलिए जेकी अपनी पूरी पावर्स लगाकर उस जगह को तोड़ देता है। इसकी वजह से काफी बड़ी लाइट पैदा होती है और बाद में एक स्ट्रक्चर ओपन होता है और उसी में से वो तलवार यानी सॉर्ड ऑफ लाइफ बाहर आती है। तभी ये देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जनरल और उसकी पूरी आर्मी आ चुकी थी। यहाँ पर डी जेकी को सारी बात बता देती है, जिसकी वजह से जेकी को काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो जनरल पर अटैक कर देता है। यहाँ पर उन दोनों की काफी फाइट होती है, लेकिन बाद में वो जेकी को पकड़ लेती है और प्रिजनर बना लेती है। और जैसे ही जनरल के लोग उस तलवार को टच करते हैं तो वो राख में बदल जाते हैं। अब क्योंकि डी भी जेकी को पसंद करने लगी थी, इसीलिए उसकी जान के बदले ही वो उस तलवार को निकालती है, क्योंकि वो तो एक पुतला ही थी, उसके ऊपर तलवार का कोई असर नहीं होता। अब तलवार के आसपास काफी बड़े बड़े रिंग्स थी, जिसकी वजह से तलवार निकालते ही वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उस जनरल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन साथ साथ उस तलवार इन्हीं सॉर्ड ऑफ लाइफ की पावर्स भी चली जाती है। जेकी को उसके पंख वापस मिल जाते हैं और अब वो उड़ सकता था, इसीलिए वो डी को बचाता है। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, डी एक पुतले में बदल जाती है। ये देखकर जेकी को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर उस तलवार को लेकर अपने किंगडम में आने के लिए निकलता है। लेकिन तभी वो दिखता है कि तीनों सूरज मिलने वाले हैं, इसीलिए वो काफी जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। उसी रास्ते में नेजा भी मिल जाता है और वही वॉरियर यानी रेत का जादूगर भी मिल जाता है। यहाँ पर वो वॉरियर अपना हथियार हासिल कर चुका था। अब ये तीनों किंगडम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ किंगडम में हम देखते हैं कि किंग और दाजी के लोगों ने उन सारे वॉरियर्स और उनके शहर पर अटैक कर दिया है। यहाँ पर मास्टर भी जैसे जैसे अपने पावर्स इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी उम्र कम होती जा रही थी और वो ये भी भूलते जा रहे थे कि जादू को कैसे यूज करना है। अब ये सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए किंग की पूरी आर्मी आ जाती है, लेकिन तब तक जेकी नेजा और वो वॉरियर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो किंग की आर्मी से लड़ने लगते हैं। इसी लड़ाई में वो जनरल को भी मार देते हैं, लेकिन दाजी उन्हें दोबारा जिंदा करती है और खतरनाक जॉइंट मॉन्स्टर में बदल देती है। और अब ये तीनों ग्रेट वॉरियर्स उस जॉइंट मॉन्स्टर से मुकाबला करते हैं, लेकिन वो जॉइंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो इन तीनों पर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर इन लोगों के कमांडर को भी मार डालता है, लेकिन कमांडर मरने से पहले जेकी के भाई को कहता है इस तलवार को गार्डन का पानी यानी स्प्रिंग ऑफ लाइफ में लेकर कूदने को कहता है, क्योंकि इसी तलवार की पावर्स वापस आ सकती थी। वो मास्टर अब छोटे बच्चे बन गए थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर दाजी उन्हें अपने पास कैद कर लेती है। उधर वो तीनों भी उस जॉइंट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जेकी का भाई स्प्रिंग ऑफ लाइफ में वो तलवार लेकर कूद जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो गोल्डन ड्रैगन बनकर बाहर आता है, यानी तलवार ने इसे ही चुना था। उसके पास अब बहुत सारी पावर्स थी और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस जॉइंट मॉन्स्टर का खात्मा कर देता है। और वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि वो अपने पूरे शहर को उठा लेता है और किंग और दाजी पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। उधर किंग और दाजी के पास मास्टर भी थे, जो कि अब छोटे से बच्चे बन गए थे। साथ साथ किंग भी ब्लैक ड्रैगन बन चुका था और वो इंतजार कर रहा था कि कब वो वॉरियर्स उन पर अटैक करेंगे। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।